उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपराधी बेखौफ हैं और ताजा मामला मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के ही दर्जनों दबंगों ने गांव के एक दलित परिवार पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार और फायरिंग करते उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और युवक को जान से मारने का प्रयास किया। परिवार में पूरी तरह दहशत का माहौल है और चेतावनी देते हुए कहा, अगर दबंगों पर कार्यवाही नहीं होती तो हमें यहां से घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि दबंग लोग आए दिन हमारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं और युवकों के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस को कई बार सूचना दी गई लेकिन घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल परतापुर थाना क्षेत्र के रिझानी गांव के रहने वाले एक दलित परिवार के घर में कल देर रात शादी समारोह का प्रोग्राम था, जिसके चलते दबंग ने शादी में आई लड़कियों के साथ फफ्तियां कसी और छेड़खानी भी शुरू कर दी। जब लड़की के भाई ने रोकने का प्रयास किया तो भुगत लेने का अंजाम कहकर चले गए। कुछ ही देर बाद दबंग लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं और दलित परिवार पर धारदार हथियार डंडों से मारपीट भी करते हैं। परिवार ने अपने बचाव के लिए पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस घंटों बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचती। परिवार में पूरी तरह दहशत का माहौल है और चेतावनी दी है कि दबंगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो हमें यहां से घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दबंग आए दिन हमारे लोगों से मारपीट करते हैं और दबंगई दिखाते हैं, छेड़खानी करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई के नाम पर दबंगों से पैसे ऐंठ लेती है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर कब तक ये बेखौफ बदमाश खुलेआम घूमते रहेंगे और दलित परिवार पर अत्याचार होते रहेंगे? मेरठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सरोज, सरोजी ये बताइए, हाँ। कल क्या हुआ, कैसे, किन के साथ मारपीट हुई? सब मेरा लड़का है, हम मेरे लड़के के साथ मारपीट करी है। कौन लोग? बदमाश आए हुए थे, कोई हथौड़ी ले रहा, कोई छुरी ले रहा, कोई चक्कू ले रहा, कोई बंदूक ले रहा है, कोई कुछ ले रहा। 60-65 आदमी थे जी। अब कोई सुनाई थाने में रिपोर्ट करी है, थाने में पुलिस वालों को, वो नहीं आए। काफ़ी देर में आए हैं जब वो लोग यहाँ मारपीट के चले गए हैं। हाँ, घायल हम मेरे लड़के के ऊपर था धरती रिवाल्वर उन्होंने है गुम चोट मार दिए। देवते के मेरे का मार दी है, देवते का चौहाता पाई करी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा थाने पर खतरा है, मेरे लड़के को तो खतरा है ही है जी। मैं बताऊँ, मेरे लड़के को तो मारने की धमकी दे रहा है, मैं बताऊँ थाने में भी कह दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? कुछ कार्रवाई नहीं करी। मेरे लड़के को तो आगे पीछे खतरा थी, वारी सवेरे खतरा। क्या हुआ? देखिए, प्रतापुर में एक जगह है जानी, वहाँ पे दो पक्षों में मारपीट की सूचना मिली थी। फोर्स वहाँ पहुंची, फोर्स के पहुंचने के बाद वहाँ पे जिस स्थल पे घटना बताई जा रही थी वहाँ पे कोई नहीं मिला। वहाँ पे तहकीकात भी की गई तो पता चला कि दो पक्षों में आपस में कोई कहा सुनी हुई थी, कोई फायरिंग वगैरह की बात नहीं हुई थी। मार्केट वगैरह शायद छोटी मोटी जो मार्केट की झगड़े की बात होती है वही हुई थी। और उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी तहकीकात की और वहाँ पे सामने तो दोनों पक्षों में से कोई नहीं आया। इन्वाइट किया गया कि अगर कोई बात कहना चाहता हो, कोई लिखित देना चाहता हो तो थाने आए। आज अभी तक थाने में कोई नहीं आया है। हमको लगता है कि स्थानीय लोगों ने मिल करके आपस में मिल बैठ कर के मामले को निपटा दिया होगा।